सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, समझें इसको। ये एक फ्लावर है किसी एक प्लांट का, ये कोई दूसरा प्लांट है और यहां पर बना दिया हमने उसका फ्लावर, ठीक। दो अलग अलग प्लांट है, एक प्लांट है ए, एक प्लांट है बी, ये एक प्लांट का फ्लावर है, ये बी प्लांट का फ्लावर है। अब समझे क्या होना है यहां पर, इसका ये जो क्या है एंथर, ये एंथर क्या बनाएगा, पॉलन ग्रेन। ये पॉलन ग्रेन थोड़ा सा सायाना टाइप का है, अपने घर में मुंह नहीं मारेगा, दूसरों के घर में जाके मुंह मारेगा। सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी में क्या होता है, ये पॉलन अपने ही फ्लावर को कभी फर्टिलाइज नहीं करेगा, कभी भी नहीं करेगा, सेल्फ फर्टिलाइजेशन यहां पर होगा ही नहीं। मतलब ये पॉलन ग्रेन जो है वो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज करने में असमर्थ है, इसकी इनएबिलिटी है टू फर्टिलाइज दी और टू सेल्फ पॉलिनेट, ठीक है। लेकिन ये दूसरे के फ्लावर को जरूर फर्टिलाइज कर सकता है, मतलब अपने घर में मुंह नहीं मारेगा, दूसरे घर में जाकर जरूर मुंह मार सकता है। ये पॉलन ग्रेन जो अपने ही फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है ना, इसी को कहते हैं सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। जैसे नाम से समझ में आ रहा है ना, सेल्फ मतलब खुद की इनकम्पेटिबिलिटी, मतलब अपने ही फ्लावर को, अपने ही फीमेल पार्ट को फर्टिलाइज नहीं कर सकता। पॉलन ग्रेन खराब नहीं है, पॉलन ग्रेन तो ठीक है, लेकिन वो अपने फ्लावर को फर्टिलाइज नहीं कर पा रहा है, दूसरे को तो कर देगा। ध्यान रखना इस चीज में, जो पॉलन ग्रेन होता है वो नॉन फंक्शनल नहीं होता है, तो वो फंक्शनल काम कर रहा है, लेकिन वो अपने ही फ्लावर में फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, किसी दूसरे प्लांट के फ्लावर में जाकर फर्टिलाइज कर सकता है। मतलब यहां पर सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस खत्म, जहां सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होगी वहां पर सेल्फ पॉलिनेशन कभी नहीं होगा, वहां पर 101% क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है, ठीक। इसके दो टाइप के होते हैं, ये एक होता है हेटरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, शॉर्ट में लिखूंगा मैं इसको SI, ठीक, और दूसरा होता है होमोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। बहुत आसान है, समझो हेट्रो का मतलब होता है क्या अलग, होमो का मतलब क्या होता है सेम, सभी जानते हैं, हेट्रो मतलब डिफरेंट और मॉर्फोलॉजी, तो यहां पर किसकी मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी की बात हो रही है। हेट्रोमॉर्फिक मतलब यहां पर डिफरेंट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी है, यहां से सीधे सीधे क्वेश्चन आता है कि जब डिफरेंट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी हो, फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी है वो अलग प्रकार की जब होती है, अलग प्रकार की मतलब ये क्या है इसका मेल पार्ट और ये क्या है इसका फीमेल पार्ट, जब मेल और फीमेल की मॉर्फोलॉजी में फर्क हो तो उसमें जो उसको कहते हैं डिफरेंट फ्लोरल मॉर्फोलॉजी, उसकी वजह से जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी होती है उसे कहते हैं हेट्रोमॉर्फिक। जैसे एक इसमें होती है डाईस्टाइली, मोस्ट कॉमन एग्जांपल यहां से पूछते हैं। डाईस्टाइली में क्या होती है, दो कंडीशन बनती है, एक कंडीशन जैसे कि एक कंडीशन तो ये रही, एक कंडीशन में आप क्या देख रहे हैं, ये जो फीमेल पार्ट है स्टिग्मा, इसको बोलो आप स्टाइल, यहां पर आप देख रहे हैं स्टाइल कैसा है, लॉन्ग है, लंबा है, और ये जो आपका स्टेमन है ये कैसा है आपका शॉर्ट है, मतलब मेल जो है वो बोना है और फीमेल जो है वो लॉन्ग है। तो इस तरह की जो मॉर्फोलॉजी में डिफरेंट होता है ना, इस केस में सेल्फ पॉलिनेशन के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो इसकी वजह से जो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी आई है ना इस डिफरेंस की वजह से, उसे क्या कहते हैं हेटरोमॉर्फिक, ठीक है। तो एक कंडीशन तो ये है, एक कंडीशन हो सकती है ये, यहां पर आप देख सकते हो स्टाइल कैसी है, बहुत शॉर्ट है, छोटी है, ठीक है, और ये जो स्टेमन है वो कैसा है, लॉन्ग है। ये कंडीशन ये हो सकती है, एक कंडीशन में स्टाइल लॉन्ग है, तो इसको कहते हैं अपन क्या, पिन फ्लावर, इसको क्या कहते हैं, पिन फ्लावर। यहां पर स्टाइल छोटी है तो इसको क्या बोलते हैं, थ्रम्ब फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं, पिन फ्लावर, इसको क्या बोलते हैं, थ्रम्ब फ्लावर। पिन फ्लावर मतलब जिसमें स्टाइल लॉन्ग होती है, और थ्रम फ्लावर मतलब जिसमें स्टाइल छोटी होती है। इस तरह का जो वेरिएशन होता है ना, इसको कहते हैं डाई स्टाइल। दो अलग अलग प्रकार की स्टाइल है, एक में शॉर्ट स्टाइल है, एक में अपने एक में लॉन्ग स्टाइल, एक में शॉर्ट स्टाइल है। इस तरह की जो अलग अलग प्रकार की मॉर्फोलॉजी होती है, जो मेल और फीमेल में जो फर्क होता है, एक कंडीशन में तो मेल इतना बड़ा है और फीमेल इतनी बड़ी है, एक कंडीशन में फीमेल इतनी बड़ी है और मेल इतना ही बड़ा है, तो दोनों कंडीशन में सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता, उसी को क्या बोलेंगे अपन, सेल्फ हेटरोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी, ठीक है। यहां पर क्वेश्चन क्या पूछते हैं, बताओ पिन इनटू पिन क्या इनमें हो सकता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, थ्रम इनटू थ्रम क्या इनमें हो सकता है सेल्फ फर्टिलाइजेशन, और एक है पिन इनटू थ्रम। देखो कंपेटिबल कौन सा है, जब इन दोनों की लेंथ बराबर हो, जहां पर मेल और फीमेल जो है वो इक्वल लेंथ के हों,
मेल और फीमेल जहाँ इक्वल लेंथ के होंगे वहीं पर सेल्फ पॉलिनेशन होगा। पेन और पेन में क्या है, यहाँ पर क्या होगा भाई, यहाँ पर पेन और पेन में क्या है, दोनों में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर इक्वल लेंथ नहीं मिल रही है। थ्रम और थ्रम में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पर भी इक्वल लेंथ नहीं मिल रही है, लेकिन पिन और थ्रम में हो सकता है क्योंकि पिन में क्या होगा, आपकी जो स्टाइल है वो तो लॉन्ग है और थ्रम में क्या होता है, आपका जो स्टेमन है वो लॉन्ग है। तो इस केस में क्या हो गया, यहाँ पर दोनों की हाइट जो है वो एक कर जाती है, मैच कर जाती है। तो क्वेश्चन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कौन सा इसमें से जो पेयर है वो कंपेटेबल है। तो पिन इनटू थ्रम ये आपका कैसा है, कंपेटेबल है, मतलब इनके बीच में सेल्फ पॉलिनेशन हो सकता है, इन दोनों के केस में नहीं हो सकता। ठीक, ये तो क्या है, हेट्रोमॉर्फिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। अब आ जाओ होमोमॉर्फिक, यहाँ पर फ्लावर सेम है, यहाँ पर सेम फ्लावर होता है, सेम फ्लोरल मॉर्फोलॉजी होती है, मतलब यहाँ पर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का कारण कुछ और है। यहाँ पर तो हेट्रोमॉर्फिक मतलब फ्लावर की जो मॉर्फोलॉजी थी उस वजह से हो रहा था। इसमें एक और याद रखना, डाइस्टाइली में एक एग्जांपल पूछ लेते हैं, प्रिमुला प्लांट, इसका एग्जांपल याद रखना, प्रिमुला प्लांट इसका डाइस्टाइली का फैमिली होती है प्रिमुलेसी। होमोमॉर्फिक, इसमें क्या होता है, होमो मतलब सेम, मॉर्फिक मतलब फ्लोरल मॉर्फोलॉजी। तो यहाँ पर फ्लावर में कोई फर्क नहीं है, फ्लावर ऐसा ही होगा सेम टू सेम, लेकिन वहाँ पर कारण कुछ और होता है। एक होती है, इसमें दो प्रकार की होती है, जो होमोमॉर्फिक है वो दो प्रकार की होती है, एक होती है गैमेटोफाइटिक और एक होती है स्पोरोफाइटिक। ध्यान रखना, ये गैमेटोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी और स्पोरोफाइटिक सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी किसके टाइप है, होमोमॉर्फिक के। यहाँ पर क्या होगा, जीन की वजह से, जो जेनेटिक भाई फ्लोरल की मॉर्फोलॉजी तो सेम है, फ्लावर की मॉर्फोलॉजी सेम है, तो फिर कुछ और कारण क्या हो सकता है, उसका जेनेटिक स्ट्रक्चर। यहाँ पर जो गैमीट होता है, इस गैमीट के अंदर जो जीन है, जैसे कि ये जो पोलन है, इस पोलन के अंदर जो जीन है, जब इसकी वजह से सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो तो उसको कहते हैं गैमेटोफाइटिक। ये प्लांट है, ये प्लांट बना रहा है, इस प्लांट के अंदर जो जीन है और इस जीन की वजह से जब सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो तो उसको बोलते हैं स्पोरोफाइटिक, मतलब जीन ऑफ द पोलन प्रोड्यूसिंग प्लांट। एक में तो जो गैमीट का जीन है वो रेस्पॉन्सिबल हो, जैसे पोलन के अंदर जो जीन होगा, ध्यान रखना ये जो पोलन है वो मियोसिस के बाद बन रहे हैं, तो यहाँ पर कुछ ना कुछ बदलाव हो जाते हैं, क्रॉसिंग ओवर वगैरह होती है, रिकॉम्बिनेशन होता है। तो यहाँ पर जो पोलन के अंदर जो जीन है, जब उसकी वजह से सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी होगी तो गैमेटोफाइटिक, और जो प्लांट पोलन बना रहा है उस प्लांट के जीन की वजह से होगी तो स्पोरोफाइटिक। क्लियर, इतना सिंपल सा है, ये हो गया अपना सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी। इस सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी में क्रॉस पॉलिनेशन ही होना है ज्यादातर केसेस में, इसलिए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का यूज हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में बहुत करते हैं, क्योंकि हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है इमेस्कुलेशन की। भाई आपको हाइब्रिड बनाना है, हाइब्रिड बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक दूसरे एक प्लांट का मेल लेना पड़ेगा, दूसरे प्लांट का फीमेल लेना पड़ेगा। अब अगर मान लो वो प्लांट है, जैसे चलो यहीं पर समझा देता हूं, जैसे ये ए प्लांट है, ये बी प्लांट है, ठीक है, ये दोनों सेल्फ पॉलिनेटेड प्लांट है, इन दोनों का क्रॉस करके आपको एक हाइब्रिड बनाना है। तो मान लो इसको मानो मेल, इसको मानो फीमेल, तो जब इसको मेल मानोगे और इसको फीमेल मानोगे तो इस फीमेल के पास भी तो मेल है। प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी क्या है, यहाँ पर फीमेल से हमें कोई मतलब नहीं कि यहाँ पर तो हम इसको मेल ले रहे हैं, तो इसका तो पोलन ग्रेन निकाल लेंगे हम, यहाँ पर समस्या है, यहाँ पर इसको हमने क्या माना है, फीमेल, लेकिन इस फीमेल के पास अपना खुद का मेल है, तो यहाँ पर हमें इस मेल को हटाना पड़ता है। हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में हमें फीमेल में से मेल को हटाना पड़ता है, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं इमेस्कुलेशन। इमेस्कुलेशन का मतलब क्या होता है, रिमूवल ऑफ एंथर या रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। ये इमेस्कुलेशन बड़ी पेचीदा प्रोसेस है, बड़ी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, सबसे ज्यादा टाइम ये कंज्यूम कर जाती है और कई बार इसमें एफिशिएंसी भी नहीं आती। एक दो पोलन ग्रेन भी अगर एक दो एंथर भी छूट गए तो वो सेल्फ पॉलिनेट कर देगा। तो अगर मान लो इस प्लांट के अंदर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, मान लो इसके अंदर सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी है, तो इसका तो सेल्फ पॉलिनेट करेगा नहीं, तो फिर इमेस्कुलेशन करने की जरूरत नहीं, अपना समय बच गया, एक्यूरेसी बढ़ जाएगी। इसलिए सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी का यूज हम हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में करते हैं।